हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लॉगरिदम का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा क्या है कॉन्सेप्ट, तो मेरा प्रॉब्लम जो बेस्ड होगा वो होगा लॉगरिदमिक इक्वेशन पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या होगा, लॉगरिदमिक इक्वेशन को सॉल्व करने का स्टेप क्या होगा, और जानते हैं कि लॉगरिदमिक इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे ये दिया हुआ है, लॉग के फॉर्म में अगर इक्वेशन कोई दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉगरिदमिक इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग लॉग वाले फंक्शन को हटाएंगे, सबसे पहले लॉग को हम हटाएंगे, रिमूव लॉग फंक्शन। सेकंड क्या है, कन्वर्ट द इक्वेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड सॉल्व देम। इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सक्लूड दोज वैल्यूज ऑफ अननोन व्हिच मेक एनी टर्म ऑफ इक्वेशन अनडिफाइंड। वो सभी वैल्यू एक्स के या अननोन जो भी है एक्स वाई जेड, उसको वो सभी वैल्यू को हटा देना है जो किसी भी टर्म को क्या करे, अनडिफाइंड कर दे, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन हम लोग को देखना, सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन हम लोग यहां देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है, ये लिखा हुआ है 3 to the power 2 log x base 3 minus x = 6। हम लोग जानते हैं यहां बेस 3, यहां बेस 3, 2 को हटाना होगा, ये हो जाएगा log x square, 2 यहां इसके पावर में चला गया, बेस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा, x square हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इधर ले आ रहे हैं माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये आ गया क्या, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो वैल्यू एक्स का आया, एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो मेरे पास दो दो इक्वेशन, दो दो वैल्यू आया एक्स का, लेकिन क्या दोनों पॉसिबल होगा, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि एक्स के कोई ऐसा वैल्यू मिल रहा है क्या जिससे इक्वेशन मेरा क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। तो देखते हैं, लॉग को डिफाइन होने के लिए मेरे पास एक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्स क्या है, निगेटिव, तो लिखेंगे 4 log to be defined। लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो, दिस इज देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 इस केस में ओनली सॉल्यूशन होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है भाई, तो सेकेंड एग्जाम्पल है ऐसा, सॉल्यूशन देखते हैं, log x 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर 2 एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इधर जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया x प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1, दो सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब हम दोनों को इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे कि कहीं अनडिफाइंड इससे तो नहीं हो जा रहा है। देखिए x इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही माइनस 2 पुट करेंगे यहाँ ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा इसीलिए x इक्वल टू माइनस 2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं हाँ। अब क्या है, x इक्वल टू 1, क्योंकि बेस में यहाँ 1 आ जाएगा इसीलिए x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितना सॉल्यूशन आया भाई, तो नो एनी Real values of x satisfy given equation, ठीक है, कोई भी x का ऐसा value नहीं है जो इसको क्या करे, satisfy कर दे। तो x belongs to क्या हो गया, जब कोई नहीं रहे तो उसको phi बोलते हैं, x belongs to phi। हम लोग दो चार और अच्छे problem को यहाँ पे discuss करते हैं। तो next जो हम लोग का problem रहने वाला है, पहला problem क्या है, log एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस एक्स प्लस 4 इक्वल टू लॉग 5 माइनस एक्स बेस एक्स प्लस 4। यहाँ बेस क्या है, सेम है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग को बेस के साथ हटा सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, मेरा सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, 5 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स माइनस ये 6 इक्वल टू 0, आ गया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इक्वल टू 2, तो दो आया एक्स इक्वल टू माइनस 3 एक्स इक्वल टू 2। लास्ट में क्या करना है, हमको इसको इक्वेशन में पुट करके देख लेना है कि अनडिफाइंड तो नहीं कर दे रहा है ये, एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 1,
तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे बेस क्या हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है वन, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक्स इक्वल टू टू पुट कर रहे हैं तो टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन थ्री चलेगा, यहाँ पुट किए टू, टू है ना, हाँ टू प्लस फोर सिक्स चलेगा, यहाँ देखिए फाइव माइनस टू थ्री चलेगा, चलेगा मतलब एक्स इक्वल टू क्या है टू चलेगा, एक्स इक्वल टू टू एक्सेप्टेड। ठीक है, तो x इक्वल टू टू क्या हो गया, ओनली सॉल्यूशन हो गया मेरा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा इस इन सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है भाई, log x प्लस फोर प्लस log इतना इतना इतना, मतलब तीन log दिया हुआ है, ये दोनों log क्या है प्लस में है। अच्छा देखिए, बेस कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब बेस टेन है, बेस कुछ नहीं मतलब बेस टेन, तो बेस टेन है मतलब बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लॉग एक्स प्लस फोर इंटू टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू लॉग, यहाँ कौन लॉग हो जाएगा भाई, वन माइनस टू एक्स, वन माइनस टू एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, लॉग से लॉग को हटा दिए हैं, एक्स प्लस फोर टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू आ गया वन माइनस टू एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, फोर टू या एट एक्स और प्लस थ्री एक्स इलेवन एक्स प्लस कितना हो गया ट्वेल्व इक्वल टू वन माइनस टू एक्स। अब इसको इधर ले आएंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो। ये देखिए तो क्या आ रहा है, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू कैसे आएगा, तो वैसे ही तो आएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस टू एक्स प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो, दोनों को साथ में कीजिए क्या हो जाएगा, टू एक्स नहीं एक्स कॉमन, एक्स कॉमन तो टू एक्स प्लस इलेवन, यहाँ से वन कॉमन, टू एक्स प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो। एक्स की एक वैल्यू मेरा आया क्या माइनस वन, और एक एक्स आएगा माइनस इलेवन बाई टू। अब देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस वन हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे माइनस वन प्लस फोर थ्री चलेगा, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री वन, लॉग वन आर्गुमेंट हो सकता है चलेगा, माइनस वन है हाँ चलेगा, अब यहाँ माइनस वन पुट किए तो ये भी चलेगा, मतलब माइनस वन एक्सेप्टेड है, माइनस इलेवन बाई टू मतलब माइनस साढ़े पाँच, मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ। तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे ये निगेटिव आ जाएगा, तो इलेवन बाई माइनस इलेवन बाई टू नहीं होगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरा स्पीड थोड़ा सा तेज रहता ही है, आप लोग इसको मैनेज कीजिए, आप अपना भी स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड हम लोग करते हैं, हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे, क्वेश्चन कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का करना जरूरी होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब देखेंगे थ्री का, थ्री तो शायद देख लिए ना, नहीं देखे, तो ये क्या है, लॉग थ्री टू दी पावर एक्स माइनस वन बेस थ्री, और क्या है इनटू, इनटू है लॉग थ्री, और यहाँ क्या है थ्री का पावर एक्स प्लस वन माइनस थ्री। अच्छा ये दोनों में थ्री कॉमन है तो हम थ्री कॉमन ले ले रहे हैं, थ्री कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा थ्री का पावर एक्स, और यहाँ से बच जाएगा माइनस का वन। ठीक है, थ्री का पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू इधर क्या दिया हुआ है सिक्स, तो ये रहा सिक्स मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ क्या है, ये है लॉग बेस थ्री, थ्री टू दी पावर एक्स माइनस वन इंटू, ये अलग अलग हो जाएगा क्या, लॉग ए लॉग थ्री बेस थ्री प्लस लॉग थ्री का पावर एक्स माइनस वन बेस थ्री इक्वल टू सिक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ समय के लिए y मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू ये वन प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। कुछ शोर शराबा हो रहा होगा, बगल में शादी वगैरह है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग मैनेज थोड़ा करेंगे। तो ये क्या है, y स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया y प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू टू और y इक्वल टू माइनस थ्री। y की एक दो वैल्यू, y 2 है और y माइनस थ्री, लेकिन हमको तो x चाहिए ना भाई, तो और सॉल्व करना होगा, और कैसे सॉल्व करना होगा, y इक्वल टू टू का मतलब क्या हो गया, y हम किसको माने हैं, तो इसको माने हैं किसको, log 3 का पावर x माइनस वन
बेस 3 इक्वल टू आ गया है, एक 2 आया है। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 का पावर ए हो जाएगा 2, तो ये 9 हो गया है। 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3 का पावर x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू log 10 बेस 3, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये है x इक्वल टू log 10 बेस 3, अगर नहीं दिख रहा है तो सुनिए, ठीक है, x इक्वल टू log 10 बेस 3, ठीक है। तो ये मेरा आंसर सही है या गलत है हमको देखना पड़ेगा। 3 का पावर x इक्वल टू 10 आ गया है, 3 का पावर x इक्वल टू 10 पुट कीजिए, 10 माइनस 1 9 सही है, 10 माइनस 1 9 सही है, तो मतलब ये x इक्वल टू log 10 बेस 3 सही है। सेकेंड हम लोग करेंगे, माइनस 3 करेंगे ना पावर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा 3 का पावर x, 3 का पावर माइनस 3, तो 3 का पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 1 बाई 27, 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 27। तो जैसे ही 3 का पावर x इक्वल टू पुट करेंगे 1 प्लस 1 बाई 27, नहीं तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई 27 तो सही है, मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है तो सही है, 3 का पावर x माइनस 1 पॉजिटिव है ना, तो सही है, तो ये भी सही है, 3 का पावर x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 27। और इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या रहने वाला है, ये आप लोग बढ़िया से कीजिए, इसको डरना नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ छोड़ दिया जा रहा है, मेहनती बच्चे होंगे वो जरूर करेंगे और जरूर पूछेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, log x का होल स्क्वायर माइनस 3 log x इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। log x स्क्वायर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए ये क्या है ना कि हम लोग log x को कुछ समय के लिए t मान ले रहे हैं, t या y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, तो y मान लिए हैं, तो ये बन गया है कैसा, y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू, अब ये तो y के फॉर्म में नहीं आएगा, तो आ सकता है कब, जब ये 2 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 2 log x हो जाएगा ना, तो ये 2y हो जाएगा, 2y माइनस 4। अब इसको तो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, y स्क्वायर माइनस का 2y, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 2y माइनस का 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कैसे बन जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 और y इक्वल टू आ जाएगा क्या 1। तो दो सॉल्यूशन मेरे पास आया, एक है y इक्वल टू 4, एक है y इक्वल टू 1। y किसको हम लोग माने हैं, तो log x को माने हैं, तो log x इक्वल टू आ गया 4, या बोलेंगे log x इक्वल टू 1। बेस में कुछ भी नहीं दिया है, log के क्वेश्चन है, हम लोग 10 यूज करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू तो 10 का पावर 1, ठीक है। तो दो आंसर मेरा रहेगा, x रहेगा 10 का पावर 4, एक है 10 का पावर 1, और दोनों सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ, ठीक है, इसीलिए दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, log 2, ये देखिए log बेस 2 है, बाकी ये पूरे आर्गुमेंट में है, ठीक है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पुराने वाला क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है। तो कैसे ये बनेगा, तो ये है ऐसा log 2 और फिर है log 4, मतलब log बेस 4 है, फिर log x बेस 5 है, 5 है ना, इक्वल टू 0। हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, ये पूरे को एक log मान रहे हैं, ये log का आर्गुमेंट है, ये बेस है, तो इतना log क्या बन जाएगा, ये log बेस 4 फिर log x बेस 5 इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो 2 का पावर 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, log 4 log x बेस 5 इक्वल टू 1 है ना, फिर अब इस log को हटाना है, तो ये 4 का पावर इधर चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा log x बेस 5 इक्वल टू 4 का पावर 1, ठीक है। अब फाइनली ये log को हटाना होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4, और ये मेरा फाइनल आंसर है। क्यों रहने वाला है, चेक भी नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, क्यों,
क्योंकि हमको तो बस x यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेना है, x मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है, x मान लीजिए x अगर 5 ही आ गया, ठीक है, तो x 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 5 बेस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बेस 4 0 हो जाएगा, तो ये तो log 0 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको क्या होगा, बार बार देखना पड़ेगा। तो क्या यहाँ हर एक कंडीशन को चेक करने की जरूरत है, तो नहीं जरूरत है, क्योंकि हर एक कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ सेटिस्फाई रहता है। आप ऐसे समझिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन में हर एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम खड़ा करता है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, चेक करके देखना होगा। जैसे अभी x का पावर x इक्वल टू 5 का पावर 4 करेंगे तो आंसर आएगा 4, है ना, आंसर मेरा आएगा log 2 और log ये 4 आएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो log 4 बेस 4 1 आ जाएगा, तो log 2 ये 1 वैसे 0, ठीक है। मतलब हर कोई तो सेटिस्फाई है, ये log 4 बेस 4 ये log 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई है, ठीक है, इक्वल टू 0 तो आ ही रहा, तो यहाँ x इक्वल टू 5 का पावर 4 आंसर हो जाएगा। नहीं तो हमको चेक करके देखना होगा, अभी चेक करके देखें, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दो चार और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x टू द पावर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर बेस 6x इक्वल टू 16। ये क्या है, वही बेस यहाँ सेम है, वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक 4 होगा, एक होगा x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4, यहाँ से x इक्वल टू आ गया 1 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। आप देखिए क्या इसका आंसर होगा, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेस यहाँ लॉग का ये बेस है, तो लॉग का बेस 1 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस 7 तो देखिए ये निगेटिव है ना, तो माइनस 7 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। छठा सातवां हम लोग देखेंगे, तो सातवां क्या कर रहा है, 2 का पावर log x बेस 3 प्लस 3 इंटू x का पावर log, अब कैसे होगा भाई, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 का पावर log x बेस 3 है, ये क्या है, ये भी तो वही है कुछ ना, देखिए ऐसा 2 का पावर log x बेस 3 प्लस 3 इंटू, ये देखिए x को हम यहाँ ले जा सकते हैं और 2 को यहाँ ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर log फिर से x बेस 3 इक्वल टू क्या है, 2 है, तो ये ऐसा समझिए, इसको अभी कुछ समय के लिए t मानिए, तो ऐसा लिखा हुआ है t प्लस 3t इक्वल टू 2, 4t इक्वल टू 2, t इक्वल टू है 1/2, t का वैल्यू रखिए 1/2, t क्या है 2 का पावर log x बेस 3 इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 2 का पावर माइनस 1, समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो log x बेस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का पावर माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का पावर माइनस 1, 3 का पावर माइनस 1 मतलब 1/3, ठीक है। तो ये देखना है कि 1/3 मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ आइए क्वेश्चन के पास आइए, क्या है x यहाँ 1/3 हो सकता है, ये 1/3 बिल्कुल हो सकता है, तो इसीलिए क्या है x इक्वल टू 1/3 मेरा फाइनल आंसर है, कहाँ लिखे हैं भाई, यहाँ x इक्वल टू 1/3 मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है log इतना, तो ये समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ इसका स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का पावर 4, एक्स प्लस 1 का पावर 4, अब इसको सॉल्व कर लेना है, कैसे, ये इसका स्क्वायर करना है, इसका पावर 4 करना है, ये डू योर सेल्फ, ठीक है, इसको खुद से करना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, खुद से कैसे करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका पावर 4, पावर 4 कैसे करेंगे, अभी फिलहाल स्क्वायर एक बार करेंगे, फिर से उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, log x प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पावर 1, मतलब एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस 1, दो आंसर होगा, एक्स इक्वल टू एक 2 आंसर आ रहा है, एक माइनस 1,
क्या दोनों पॉसिबल आंसर है, तो हम लोग चेक करके देखेंगे। x इक्वल टू टू यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ x इक्वल टू 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 चलेगा, 4a हो जा रहा है, 4a हो जा रहा है चलेगा, x इक्वल टू टू सही है। x इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन डालेंगे तो ये वन हो जाएगा, तो नहीं चलेगा, क्यों, बेस वन नहीं चलेगा, तो x इक्वल टू वन माइनस वन नहीं चलेगा। तो कितना सोल्यूशन है इसका, केवल एक ही सोल्यूशन है, वो कौन है, x इक्वल टू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अभी क्वेश्चन को सॉल्व किए ना, एक ही सॉल्यूशन मेरा आया ना, उसी तरह पूछ रहा है कितना सॉल्यूशन होगा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन एज कितना, तीन होगा, एक होगा, दो होगा, जीरो होगा। ये आईटी 2001 ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है बार बार, हम लोग पीछे भी बहुत टाइप का क्वेश्चन किए, जे मेन वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन बेस फोर इक्वल टू क्या है, लॉग टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस थ्री। तो ऐसा क्या है ना कि हम लोग कॉन्सेप्ट को इसीलिए बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं भाई, कि क्वेश्चन बनाने में एकदम स्पीड फास्ट रहे, ठीक है। तो स्पीड रुकना नहीं चाहिए, इतना प्रैक्टिस तुम कॉन्सेप्ट का कर लो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिए ये फोर है, ये टू है, फोर टू नहीं लॉग हटेगा, क्यों, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। तो आप इसको या तो टू बनाइए या इसी को फोर बना दीजिए, तो हम इसको टू बनाते हैं, लॉग एक्स माइनस वन, ये टू का स्क्वायर हो गया है, लॉग टू एक्स माइनस थ्री, टू का स्क्वायर यहाँ पावर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बेस टू इक्वल टू लॉग टू एक्स माइनस थ्री। अब क्या हम करें कि डायरेक्ट हटा दे, नहीं, ये वन बाई टू जब तक यहाँ से नहीं हटेगा, हटेगा कैसे, तो वन बाई टू को उधर भेजेंगे तो इधर जाकर टू हो जाएगा, लॉग बेस टू एक्स माइनस वन, इसको लिखेंगे लॉग, ये टू हो गया है, इधर टू आया, मल्टीप्लाई हुआ ऐसे एक्स माइनस थ्री बेस टू, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको लिखेंगे log 2 x माइनस वन इक्वल टू लॉग बेस 2 x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम log बेस 2 को हटा सकते हैं, तो बचेगा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, इधर लाएंगे माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जा रहा है, कैसे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं एक मिनट के लिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस नाइन प्लस वन प्लस टेन हो गया है ना, इक्वल टू जीरो, सही है क्या, बिल्कुल सही है, माइनस नाइन एक्स प्लस, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सिक्स एक्स हो जाएगा, टू ए बी ना, हाँ सिक्स एक्स माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस का सेवन एक्स, अब सही है। तो ये आ गया x माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू और x इक्वल टू फाइव। तो देखिए अगर आप इतना ही जानिएगा तो दो आंसर लगाइएगा, दो ही ऑप्शन में रहेगा कि दो आंसर आया भाई, दो हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन को डिफाइन भी करना है, डिफाइन करते हैं, x इक्वल टू टू चलेगा क्या, टू माइनस वन वन हो जा रहा है तो बेस तो चलेगा, टू माइनस थ्री निगेटिव आ गया है, x टू नहीं चलेगा, ठीक है, जीरो भी आंसर है, हाँ है। तो हम लोग देखते हैं क्या 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 5 माइनस वन फोर चलेगा, 5 माइनस थ्री टू चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तो x इक्वल टू फाइव पॉसिबल है, ओनली वन सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो केवल एक और एक। तो इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में पूछा जाता है, अभी भी पूछता है, अब तो और आसान हो गया है ना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बनेगा, गारंटी बनेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, हमेशा जोश।